नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी के पहले फैसले पर उठ रहे सवालों पर। कॉमन सिविल कोड पर लिए गए धामी कैबिनेट के पहले फैसले पर सवाल क्यों और कौन लोग उठा रहे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में पहला फैसला फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाने को लेकर लिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने सबसे पहले फैसले में पंजाब में 25,000 सरकारी नौकरियों को हरी झंडी दी। इसी कारण कांग्रेस के प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि भाजपा को जनहित के फैसले करने चाहिए, लोगों को भरमाने वाले फैसले नहीं। लेकिन सवाल यह है कि कॉमन सिविल कोड का फैसला कितना भरमाने वाला फैसला है और सवाल यह भी है कि पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला क्यों लिया है? यह केवल इसलिए कि उन्होंने एक चुनावी वादा कर दिया था? आप इसको इस तरीके से समझिए। पहली बात, अपने पिछले 6 माह के कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी ने करीब 700 घोषणाएं की थी। इनमें से 2 घोषणाएं ऐसी थी जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। पहली घोषणा 24,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा और दूसरी 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को फ्री टैबलेट देने की घोषणा। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि इन दोनों ही घोषणाओं को पूरा करने में पुष्कर सिंह धामी को बहुत जोर लगाना पड़ा था। विपक्ष नौकरशाही के साथ साथ तमाम तरह की अड़चनें सामने आई, विधानसभा तक में मामला उठा था। आज भी दोनों घोषणाएं कितनी पूरी हुई है और कितनी अधूरी है, इस पर काम करने की जरूरत है और बहस इस पर होती रहती है, क्योंकि चुनाव आते आते सारी भर्तियां पूरी हो नहीं पाई और टैबलेट वितरण को लेकर भी तमाम खबरें आई। इनमें एक खबर तो यह भी आई कि टैबलेट का पैसा टीचर्स के खाते में चला गया। कुल मिलाकर, सारे टैबलेट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ जगह पे, कुछ जिलों में टैबलेट्स का पैसा टीचर्स के खाते में चला गया। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब केवल इतना भर है कि कोई भी घोषणा की जानी एक बात है और उसका पूरा किया जाना दूसरी बात है। जैसा एक और उदाहरण मैं यहां पर बता देता हूं, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे पर निर्णय हुआ था तो यह कहा गया था कि अलकनंदा होटल जो हरिद्वार में है, अलकनंदा होटल को उत्तराखंड को सौंपने योगी आदित्यनाथ खुद आएंगे। लेकिन इस तरह का कोई आयोजन आज तक हुआ नहीं, इसीलिए सारी घोषणाओं को अलग अलग नजरिए से और कई कई एंगल से देखने की जरूरत है। और पुष्कर सिंह धामी ने अभी जो पहली कैबिनेट में पहली घोषणा की है, पहला निर्णय लिया है, पहला फैसला लिया है, उसको भी कई सारे नजरिए से देखने की जरूरत है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को अभी 6 माह के भीतर भीतर उपचुनाव लड़ना है और उपचुनाव को जीतना भी है। कोई भी बड़ी घोषणा करके और उस घोषणा के बाद यह दबाव उन पर तुरंत बन जाता कि वो समय पर पूरी भी हो। लेकिन कॉमन सिविल कोड के लिए केवल समिति का गठन करना है जो कि बहुत जल्द कर भी लिया जाएगा। इन सब बातों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। वैसे भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को तो विरोध करने की आदत हो गई है, वो एक राष्ट्र एक व्यवस्था का हमेशा से विरोध करती आई है। भाजपा यह बात इसलिए कह रही है क्योंकि कांग्रेस कॉमन सिविल कोड के धामी के फैसले को राजनीति का एक हिस्सा बता रही है। लेकिन मेरा मानना है कि चुनावी राजनीति का सही हिस्सा तो मुफ्त राशन योजना रही है, जिसको योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 3 माह के लिए और केंद्र सरकार ने 6 माह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन सब बातों से एक बात तो साफ होती है कि पहाड़ के मूल विकास की योजनाओं पर आने में उत्तराखंड की नई सरकार को अभी समय लग सकता है, क्योंकि यह भी माना जाना चाहिए कि पुष्कर सिंह धामी को यह दोबारा अवसर मिला है खुद को साबित करने के लिए और मेरा मानना है कि वो इसके लिए मेहनत तो करने ही वाले हैं, क्योंकि उनकी उम्र अभी कम है और राजनीतिक पारी बड़ी लंबी है। एक मुख्यमंत्री काल के लिए वो अपनी पूरी राजनीतिक पारी को यहीं पर समाप्त करना नहीं चाहेंगे, इसीलिए इंतजार किया जाना चाहिए और पुष्कर सिंह धामी के इस कार्यकाल को कम से कम 1 साल का समय दिया जाना चाहिए, 1 साल बाद समीक्षा की जानी चाहिए। इतना मौका तो कांग्रेस और जनता को धामी को देना ही चाहिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।